बीजेपी एक किला जीतती है तो दूसरे को जीतने की तैयारी शुरू कर देती है, तो वहीं रसातल में जा रही कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी आंतरिक गुटबाजी और कलह से परेशान है। हाल यह है कि उसके नेताओं का पार्टी छोड़ना लगातार जारी है। वहीं गुजरात विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनावों के बीच बीजेपी ने अपनी नजर पंजाब में गड़ा दी है और कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए जयवीर शेरगिल को अपने पाले में कर लिया। यही नहीं, बीजेपी ने एक और बड़ा दांव खेलते हुए जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त करने का ऐलान किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी है। ये सभी नेता पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, मतलब ये कि बीजेपी के निशाने पर पंजाब है, जहां वो अभी तक अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में नाकामयाब रही है। गौरतलब है कि जयवीर शेरगिल ने बीते अगस्त महीने में कांग्रेस छोड़ तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये आरोप लगाया था कि नेता लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। पार्टी के निर्णय लेने वाले लोग युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप फैसले नहीं ले पा रहे। शेरगिल पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। 39 वर्षीय जयवीर शेरगिल ने पार्टी छोड़ते वक्त कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए थे। जयवीर ने कहा था कि उन्होंने सबसे पुरानी पार्टी के साथ सभी संबंध तोड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि चाटुकारिता की दीमक की तरह संगठन को ये खा रही है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जयदीप शेरगिल ने पार्टी पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने पार्टी की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखा था कि मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हित के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त हैं और लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस में हर आए दिन नेताओं के इस्तीफे से साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। शेरगिल ने इस्तीफे में लिखा कि प्राथमिक कारण ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्तमान निर्णय निर्माताओं की विचारधारा और दूरदृष्टि अब युवाओं और आधुनिक भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हित के लिए नहीं है। मैं नैतिक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वहीं अब जयवीर शेरगिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जयदीप को ज्वाइन कराने के अलावा भाजपा ने कई संगठनात्मक नियुक्तियां भी की। इसी कड़ी में पार्टी ने अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को पंजाब की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया और इन दोनों ही नेताओं की पंजाब में सियासत में अहम भूमिका है। इसके अलावा पार्टी ने बीजेपी के उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष रहे मदन कौशिक, पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के पूर्व अध्यक्ष विष्णु देव साय, बीजेपी की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन कालिया को राष्ट्रीय कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया। पार्टी ने एक बयान जारी कर बताया कि निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बहरहाल शेरगिल के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और पंजाब में उसकी हालत और खराब हो सकती है।